Welcome to Rizvi's e-learning channel. Dear students, today we are going to start a new topic on innovation management. Is creativity and innovation. What is creativity? Creativity ek aasan shabdon mein kya bole, is a use idea. Is a idea generation. Har cheez ko innovate karne se pehle hamare paas ek idea click honi chahiye. आइडिया इज़ द मेन बेस लाइन फॉर ईच एंड एवरी डेवलपमेंट. हमारे पास आइडिया होगी, हम आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे, देन इट विल क्रिएट एन इनोवेशन. सो यूजफुल आइडियाज़, हमारे पास आइडियाज़ तो बहुत है. हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ यूजफुल और नॉट. हम मार्केट का ट्रेंड्स देखेंगे, अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, क्या चीज़ मार्केट में है, क्या चीज़ नहीं है, हमको क्या चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहिए. सो और द फैक्टर्स कि क्या हम केपेबल हैं उस चीज़ के लिए. द बिगेस्ट फैक्टर इज़ दैट कि अगर मैंने कुछ चीज़ सोचा तो क्या मेरे पास कैपेबिलिटी है उस चीज़ को बनाने के लिए. अगर नहीं है तो मेरे को कहाँ से क्या करना पड़ेगा, कैसे अरेंज करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें तो हमको सोचना पड़ता है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल क्रिएटिविटी. आइडिया, यूजफुलनेस ऑफ आइडिया, इम्प्लीमेंटेशन. इनोवेशन मीन्स अगर हमने एक आइडिया को सेलेक्ट किया, हमने उसके ऊपर अपना सोच लिया, पिक्चर वर्क बना लिया, मन में एक दिमाग में एक चल गया बात कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, फर्स्ट स्टेप ऐसा होगा, सेकंड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप ऐसा होगा, तो फाइनली एक हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा. इनोवेशन में हम आइडिया को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करते हैं, इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं, हम उसके अंदर टाइप्स ऑफ एरर्स आते हैं, हम उसे मॉडिफाई करना सोचते हैं. तो ये हमारा हो गया इनोवेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज फर्स्ट पॉइंट में. सेकेंड है आइडिया जनरेशन. आइडियल लाइन है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ सोचना पड़ रहा है समथिंग न्यू के बारे में कि आज की डेट में जॉब्स की सैचुरेशन है तो हमको कुछ नया करना है. क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि जॉब्स में हमको इतनी अर्निंग्स नहीं मिल पाएगी तो हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे. तो बिज़नेस के लिए हमको किस लाइन ऑफ बिज़नेस में जाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विसेज हमको डेवलप करनी चाहिए, तो उसके लिए हमको आइडिया को जनरेट करना बहुत ज़रूरी है. इट मीन्स क्रिएटिंग और डेवलपिंग अ क्रिएटिव आइडिया. अ पर्सन डेवलप्स अ इनसाइट इनटू अ समथिंग न्यू जो मार्केट में नहीं है. आप कुछ भी सोच सकते हो उसके बारे में, सर्विसेज में भी हो सकता है, प्रोडक्ट्स में भी हो सकता है, हम एक प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने की भी सोच सकते हैं. इट जस्ट नीड्स एन आइडिया जनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. जब हमको आइडिया जनरेट हो गई, हमने उसके फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करें लाइफ में, या तो रियलिटी उस प्रोडक्ट को या तो सर्विस को हम कैसे दें. तो हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में डालते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हम प्रोटोटाइप बनाएंगे, मॉड्यूल बनाएंगे, फिर उसके आगे बढ़ के कि हम उसको एक प्रोडक्ट के या तो सर्विस के एक फाइनल टच में हम उसको बता सकते हैं हाउ इफेक्टिव हो सकता है. ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कल्चर, इंस्टीट्यूशंस, ये सारे फैक्टर्स को हमको कंसिडर करना पड़ता है. जो भी हमारा प्रोडक्ट है, अगर हमारा प्रोडक्ट ओनली फॉर अ स्पेसिफिक कैटेगरी है या तो सर्विस एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए है, तो हमको उसी टारगेट ग्रुप के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नया आइडियाज़ जनरेट होती है. हम नया आइडियाज़ जनरेट करते हैं टू क्रिएट टू ट्रांसफॉर्म क्रिएटिविटी आइडियाज़ टू आर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. इन जो भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो एक क्रिएटिविटी की आइडिया से ही चालू हुआ है. इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज ही है जो आज की डेट में है, सर्वाइव करता है. जो हम बोलते हैं मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर हम किसी को कुछ चीज़ सिखा नहीं सकते, ये उसके अंदर का टैलेंट होता है. अगर हमने एक टैक्टिक यूज़ की सेल्स को कन्वर्ट करने के लिए, हर आदमी के ऊपर वो चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट होगी. वैसे ही आइडियाज़ भी, हर आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता है, उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, उसके भी कुछ ग्लिंच होते हैं जिसे हम वो कवर अप नहीं करता, ना ही वो सोच पाता है. उसके उसको मार्केट में लाने से पहले, प्रोडक्ट को टेस्ट करने से पहले, उसके अंदर आने जब हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाद में सोचते हैं
हमने जब इनिशियल बेसिक थिंकिंग कर रही थी क्रिएटिविटी के लिए, हमने आइडिया को जब जब बेसिक जीरो लेवल से चालू किया था, तो हमको तो हर चीज़ इजी लगी, हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे आगे चल के हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आते हैं, इनोवेशन इनोवेटिव मोड में डालने के लिए आते हैं, तो वो चीज़ ना इफेक्टिव नहीं होती है। तो उसी को आइडिया को जनरलाइज करने के लिए हमें क्वालिटी क्रिएटिविटी चाहिए। हम क्वालिटी क्रिएटिविटी इस किसी प्रोसेस नहीं होता, ना ही कोई लेक्चर्स होते, बस हमको हमारे प्रोडक्ट्स को हमारी आइडियाज़ को और रिफाइन करते रहना चाहिए। इनोवेशन में ही उसी का है मल्टीफेक्टेड। मल्टीफेक्टेड इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम टेंस हो जाते हैं। अगर हमसे कुछ चीज़ गलत हो गई, हमारी क्रिएटिविटी में हमने इतना पैसा लगा दिया, देखें कि कुछ फैक्टर्स नहीं चल रहा है, कोई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सक्सेस नहीं हो रही है, हमें जो रिस्पांस की उम्मीद थी वो नहीं मिलता है, तो हम टेंस हो जाते हैं। हमारा इनोवेशन को हम सोचते हैं कि अब बंद कर दे, बिफोर इट इज़ मोर टेस्टेड इन द मार्केट, हम उसे बंद करने के पॉइंट पे आ जाते हैं। लेकिन ये करना सही नहीं होता है, क्योंकि हर मार्केट को, हर शॉप के इस्टेब्लिशमेंट को, हर प्रोडक्ट्स और हर ब्रांड्स को एक आइडेंटिटी बनाने के लिए टाइम लगता है मार्केट में। तो वी शुड वेट टिल आर प्रोडक्ट्स, हाँ कुछ जहाँ पे चेंजेस होते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विस में, हम उसे माइनर चेंजेस कर सकते हैं या तो मेजर चेंजेस भी कर रहे हैं, लेकिन हम सडनली विड्रॉ कर लें तो हमारा जितनी भी मेहनत लगी हुई है, पैसा लगा हुआ है, कैपिटल लगा हुआ है, वो सब बर्बाद हो जाएगा। सो टेंस में हम इन मोड में हम इनोवेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट हेल्प्स टू इम्प्रूव आइडिया फॉर्मेशन। जैसे हम आइडिया क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट करना चलते हैं, एक आइडिया जनरेट होती है, हमने उसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, वो एक प्रोडक्ट हिट हुआ, तो हम वहाँ पे स्टॉप नहीं होते हैं, हमारे पास सेकेंड आइडिया जनरेट होती है। द आइडिया हमारा दिमाग तो कभी सोचना बंद नहीं करता है, हमको हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए ही चलती है, तो किसी को प्रॉफिट पसंद नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं है। तो जब हमने एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया, उसे मार्केट में निकाला, तो हमारे पास और आइडियाज़ आती हैं, हमारे पास और मूव्स आते हैं, और प्रोडक्ट्स के बदले सर्विसेज में भी जाते हैं, कोई सर्विसेज के बाद प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लेता है। जैसे कि आज आप बोल सकते हो जोमाटो है, स्विगी है, पहले फूड डिलीवरी चेन्स थी, आज वो ग्रोसरी से भी आपको सामान लेके देते हैं। सो इन लोगों ने अपनी सर्विसेज को इंक्रीज़ किया, तो इट्स वॉज एन आइडिया। ब्लिंकिट है, ग्रोसरी स्मार्ट है, ये सारे प्रोडक्ट्स पहले चालू हुए थे कुछ और चीज़ों के लिए, लेकिन उन्होंने अपने आप को और इंक्रीज़ करने के और इंक्रीज़ किया, मल्टीफोल्ड इंक्रीज़ किया, जिनसे उनका बिजनेस बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा। सो आइडिया इज़ नॉट अ एक इम्प्लीमेंट करने के बाद आइडिया स्टॉप नहीं होता है, इट विल गोज ऑन। एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट इनोवेट होता है रहेगा। कमर्शलाइजिंग यानी इंडस्ट्री में उतारना, मार्केट में लेके आना, इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको गवर्नमेंट्स को फॉलो करने पड़ते हैं। हमें हमारे सिटीज़ के लॉज एंड रॉज भी है, सोसाइटी एंड कल्चर्स के भी लॉज फॉलो करने पड़ते हैं कमर्शलाइजिंग के पहले। हम कमर्शलाइजिंग में हमारा मेन चीज़ है कि हम उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम एट अ रेगुलर इंटरवल। स्टार्टिंग फेज है तो वी तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, जो सोचे कि हमारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी इट विल स्मूथली, तो वो ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हम बोल सकते हैं उसे है। कमर्शलाइजिंग, जब हम पहला प्रोडक्ट बनाने जाएँ एक हमारे जो वर्कशॉप में या तो कंपनी में, हम उसे कमर्शलाइजिंग एक डिफाइंड सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं। सो इनोवेशन में हमें कमर्शलाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। अजम्पशंस, जब हम सोचते हैं अजम्पशंस क्या होता है, सोच, हाँ मैंने ये किया सही किया, मैं वो करूँगा सही होगा, उसके बाद वैसा करूँगा। अजम्पशंस में तो हम सब कुछ कर लेंगे, अजम्पशंस में तो हम आज के डेट में हम कुछ नहीं भी अचीव करने वाली चीज़ को हम अचीव कर लेंगे। सोचने में किसका पैसा खर्चा होता है, सोचने में तो हम अकेले ही मार्क्स तक पहुंच सकते हैं,
assumptions हैं, लेकिन जब उसे हम प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो उसके अंदर रुकावटें बहुत आएंगी, एक तो हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे इम्प्लीमेंट। उसके अंदर हमको प्रिवेंशन चाहिए, चैलेंजेस चाहिए, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं हम उसकी भी इंफॉर्मेशन रखें, फिर उसके बाद ही हम उसके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को हम कंपेयर करें कि हाँ मेरा जैसा प्रोडक्ट सेम है कि नहीं, हमारी मेरी आइडिया ऑलरेडी किसी के पास है कि नहीं है। अगर मेरा प्रोडक्ट पहले ही अवेलेबल है मार्केट में तो सिमिलर प्रोडक्ट ला के हमें एक राइवलरी क्रिएट हो रही है। हाँ, तो अगर मैं उससे कुछ बेटर कर पाऊँ, प्राइजिंग एक स्ट्रैटेजी, हम प्राइजिंग करके भी एक अपने प्रोडक्ट को चीप करके भी निकाल सकते, लेकिन हम अपने कॉस्ट से नीचे तो नहीं बेच पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अजम्पशंस में तो हर दुनिया अच्छी लगती है, लेकिन जब हम गोल ओरिएंटेशन प्रोसेस में आते हैं तो हम उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। बिना इम्प्लीमेंट किए हम उसे मार्केट में नहीं उतार सकते। इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवनेस दिखाता है, एफिशिएंसी दिखाता है मार्केट में, एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रोसेस टू बी फॉलो आउट। हमको हमारी सेल्स टीम हायर करनी पड़ेगी, का एचआर है, ऑफिस है, अकाउंटेंट्स हैं, लंबर फुल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, लैपटॉप्स है, प्रिंटर्स है, कभी हमको अगर सर्विसेज सेक्टर है तो हमको बाइक्स है, कार्स है, ट्रक्स है, ये सारी चीज़ों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो गोल्स और ओरिएंटेशन, गोल ओरिएंटेशन उस टाइम पे काम आता है जब हम अपने प्रोडक्ट्स को एट अ मार्केट लेवल पे एंट्री करवाना चाहते हो। सो ये थोड़ा डिटेल है, इन अ फ्यू लेक्चर्स आई विल गो टू एक्सप्लेन इट। इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी टोटली इमेजिनेशन है। हमने सिर्फ मन में सोचा और दूसरे दिन वो प्लान ड्रॉप हो जाता है। हमने आज ये दूसरी आइडिया निकाली, बोले नहीं यार यहाँ पर मटीरियलाइज नहीं हो पाएगा ये थिंग, आज हमने ये एक आइडिया बनाया, दूसरे दिन हमने वो आइडिया प्रॉप ड्रॉप कर दिया। तो क्रिएटिविटी में हमारा पैसा नहीं थिंक या खर्चा होता। हाँ, दूसरी है कि क्रिएटिविटी से हमारा माइंड रिफाइन होता है, शार्प होता है, ईच एंड एवरी थिंग हम उसको फॉलो करते रहेंगे। हम एक क्रिएटिविटी से एक आइडिया से दूसरी आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। प्रोडक्टिव क्या होता है कि जब हमने इनोवेशन किया तो हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारे माल, हमारे गुड्स की अच्छी खासी डिमांड हो गई है मार्केट में, और ये एक प्रैक्टिकल फॉर्मेशन है कि हाँ मैंने एक चीज़ सोचा, एक चीज़ को इमेजिन किया, उसे एक कमर्शलाइज प्रोसेस में लाया, एक गोल को अचीव किया। इट इज़ अ रियलाइजेशन वर्ल्ड। यहाँ पे हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट सक्सेस है कि नहीं है, तभी हम उसे प्रोडक्टिविटी ही के नाम से ही बोलते हैं कि हाउ प्रोडक्टिव इट इज़ और नॉट, कि हमारा इनोवेशन एक प्रोडक्टिव वे में है कि नहीं है, हमें कब उसे कंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू करना है, ये हमको इसी चीज़ से मालूम पड़ेगा। होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। टुमारो वी विल गो फॉर द लेसन 3। बाय, हैव अ गुड डे।